नमस्कार, आज मैं संस्कृति, मेरे मित्रों जानवी चावला, कृतिका डावर, गौहर चोपड़ा एवं लतिका गुप्ता के साथ मिलकर आज हम धरती माँ के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे अरे, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। ए, तुम कौन हो और तुम इतना रो क्यों रही हो? मैं धरती हूँ। मैं पहले बहुत खुश थी, लेकिन अब मेरा विनाश हो रहा है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। मेरी कहानी बच्चा बच्चा जानता है, तो आओ लो बच्चों से ही सुन लो। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो बात पते की, सुनो सुनो मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। कहाँ है सोना, कहाँ है हीरे, कहाँ है मोती, बताओ मुझे। हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण फैला, धरती कहे बचाओ मुझे। सृष्टि के 5 तत्व हैं, वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये सब है मेरे लिए। तेरे लिए, तेरे लिए। कद्र की है इनकी तो सर काट दे मेरा। काल इंसान, काल इंसान। पेड़ नहीं, पौधे नहीं, जल वायु प्रदूषण है यहाँ, मोटर गाड़ियों का धुआं है यहाँ। हम सब सुनते हैं, हम सब देखते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। आपको पता है हमारे पर्यावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी पृथ्वी की इस समस्या को दर्शाती हैं। आइए देखते हैं। तो आइए गीतों के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हमारी धरती माँ प्रदूषित हो रही है। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन? हाँ। छाओ है कहीं कहीं धूप जिंदगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज? हाँ। सूरज है मध्यम, चांद चलने लगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग? हाँ। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे, बरसो रे मेघा मेघा बरसो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ड्रॉट, बंजर धरती। बंजर धरती? हाँ। सांस में मेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्रीदिंग पॉल्यूशन लीड्स टू डेथ। ओ धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सिटी बजाए रे। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो आप देखा आप लोगों ने कि कैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतनी समस्याओं के बाद भी पृथ्वी इतनी खुश क्यों है? हाँ हाँ, पृथ्वी इतनी खुश क्यों है? चलो इसी पूछते हैं। देखा आप सबने पृथ्वी पर कितनी समस्याएं हैं, इसलिए तो पृथ्वी का विनाश हो रहा है। अरे अरे, ये हंसने की आवाज कहाँ से आ गई है? चलो देखती हूँ। अरे अरे, तुम कौन हो और इतना हंस क्यों रही हो? मैं पृथ्वी हूँ, मेरा ध्यान किसी ने नहीं रखा था, परंतु धरती पर मेरा एक नया मित्र आ गया है। ऐसा कौन सा मित्र है? कोरोना वायरस। इस वायरस ने पूरी मानव जाति को तंग किया है, परंतु मेरे लिए तो यह एक वरदान है, क्योंकि पूरी मानव जाति ने मुझे परेशान किया है, अब ये वायरस उन्हें परेशान कर रहा है। इस वायरस के आने के बाद लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते और मैं फिर से हरी भरी हो गई हूँ। तो देखा आपने, हम अपनी आजकल की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपनी धरती माँ को खुद ही प्रदूषित करते जा रहे हैं। अगर हम अपनी धरती माँ को प्रदूषित ना करते तो आज हमें ये अर्थ डे मनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पृथ्वी हमारी नहीं, हम पृथ्वी के हैं। आने वाली पीढ़ी है प्यारी, पृथ्वी की रक्षा करना है हमारी जिम्मेदारी।
तो आइए आज हम ये प्रण लेते हैं कि अपनी धरती माँ को कभी प्रदूषित नहीं करेंगे, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे और हो सके तो प्लास्टिक का उपयोग ना करके जूट बैग का उपयोग करेंगे और अपनी धरती की रक्षा करेंगे। नमस्कार।